दोस्तों, अगर आपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च तक आपको अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है, वरना आपका जो पैन कार्ड है वो बेकार हो जाएगा, वो बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड में लिंक करना है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है ई फिलिंग। इस डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आपको लिंक आधार का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको डालने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 रुपये चालान पे करने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इसको रीड भी कर सकते हैं। अब आपको पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपये पे करना है। उसके लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको पैन कार्ड डाल देना है, यानी कि नंबर डाल देना है। दोबारा से आपको कन्फर्म पैन कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसे आपको इसमें फिल कर देना है, यानी कि OTP आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर 2023-2024 क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करके अदर रिसिप्ट और कोड 500 वाले पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने 1000 रुपये पे करने के लिए, यहाँ पर 1000 रुपये आपका जो पैन कार्ड में आप भुगतान करेंगे या चालान जमा करेंगे, यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या पे बैंक या फिर NEFT द्वारा किसी भी प्रकार से पेमेंट इसमें पे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 बैंक आ जाती हैं, जैसे फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर हम फेडरल बैंक पर क्लिक करते हैं तो आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर पेमेंट जमा कर सकते हैं। जैसे कि फेडरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 1000 रुपये कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो 1000 रुपये लेट फीस है, पेनल्टी है, क्योंकि बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि आपको जो है आधार कार्ड आपके पिन कार्ड से लिंक करा लीजिए वरना आपका जो पेनल्टी पड़ेगी, तो यहाँ पेनल्टी के रूप में 1000 रुपये आपके जमा किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने इतने ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप पेमेंट जो है स्मार्ट चेकआउट कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या UPI से भी कर सकते हैं। अगर हम UPI से पेमेंट को पे करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना UPI ID डाल देना है, वेरीफाई करना है और आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट रूप से पे हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा बताते हैं। अगर नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट बैंक का। आप यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पे करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर हम नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट को पे करते हैं तो आपके सामने 12 रुपये का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि कन्वर्जन फीस आपको 12 रुपये पड़ती है और 2 रुपये टैक्स आपका पड़ जाता है, तो लगभग 1014 रुपये 16 पैसा का कंप्लीट पेमेंट आपका बनता है। आप यहां पर कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपको यूज़र आईडी यानी कि अपनी बैंक की यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालकर पेमेंट कर देना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपका पूरा पेमेंट कंप्लीट होगा, यहां पर आपका लिख के आ जाएगा दी चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर अपनी जो रिसिप्ट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर से हमको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर फिर से क्लिक कर देना है तो, और यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से अपना पैन कार्ड नंबर एंड आधार कार्ड नंबर डाल देना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए, जब हमारा जो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो किसी किसी का तो आपका फौरन हो जाता है, यानी कि सडनली ही उसका यहाँ से दोबारा पैन कार्ड आधार कार्ड डालने से खुल जाता है पेज, और किसी किसी का 24 घंटे या 2 दिन तक लग जाता है आपका जो पेमेंट जो आपने जमा किया है, चालान आपने जमा किया है उसका इस पर अपडेट देने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। यहाँ पर जब आप पेमेंट जमा हो जाएगा उसके 2 दिन के बाद आपको फिर से ट्राई करना है, फिर से यानी आपको होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद 2 दिन के बाद होम पेज पर आना है, आने के बाद आपको लिंक आधार वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पिन कार्ड नंबर डाल देना है, आधार कार्ड नंबर डाल देना है, वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो चालान सीरियल नंबर होगा यहाँ पर आ जाएगा, आपका अमाउंट जितना भी जमा होगा यहाँ पर शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको डेट जितनी भी जिस तारीख में आपने चालान जमा किया होगा यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पिन कार्ड नंबर शो हो जाएगा, आधार कार्ड नंबर शो हो जाएगा, अगर ना शो हो तो यहाँ पर आप फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नेम एज पर आधार, यानी कि आपका जो आधार कार्ड पे नंबर हो बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसमें फिल कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना है, उसके बाद में इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है, लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, तो आपको मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगी उसको यहाँ पर फिल कर देना है, वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको इस पॉपअप को ओके कर देना है। पॉपअप को ओके करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है, यहाँ पर लिंक आधार यानी कि आपको स्टेटस देखना है कि हमारा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, हमारा आधार कार्ड हमारे पिन कार्ड से लिंक हुआ है नहीं लिंक हुआ है। तो इसके लिए आपको ऊपर लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका पिन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस का दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने लिख कर आ जाएगा योर पिन नंबर आ जाएगा, उसके बाद में ऑलरेडी लिंक्ड टू गिव आधार मोबाइल यानी कि आधार कार्ड नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने लिख कर आ जाएगा कि आपके पिन कार्ड से आधार कार्ड जो है लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को पिन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। ये लिंक करने की प्रक्रिया आप 31 तारीख से पहले कर लें, 31 मार्च 2023 से पहले कर लें तो आपका जो पिन कार्ड है वो बचा रहेगा, वरना आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर आपका ये पिन कार्ड बनेगा भी नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।